आज मेरे पास ये HIS में H61 का मदरबोर्ड आया है, तो ये शॉप कीपर से आया है, तो हम इससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों पावर कनेक्टर लगा दिए, ये VRM का सप्लाई है, और इसे अब ऑन करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर पावर का कनेक्शन है हमारा, तो ऑन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया, तो आपने देखा ये फ़ैन थोड़ा बहुत घूमा और ऑफ़ हो गया। तो मुझे लगता है इसमें VRM शॉर्ट होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए अगर आपको कोई भी बोर्ड मिलता है और उसमें ऐसे फ़ैन थोड़ा घूम के ऑफ हो जाता है, तो सबसे पहले एक चीज़ करनी है आपको, ये VRM सप्लाई जो है उसको 4 पिन कनेक्टर भी बोलते हैं, तो ये निकालना है और फिर से एक बार बोर्ड को ऑन करके देखना है। ओके, तो मैंने बोर्ड को ऑन कर दिया और आप देखेंगे तो बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा जो भी शॉर्टिंग है इस सेक्शन में है, VRM सेक्शन में। अगर आपका ये 4 पिन सप्लाई निकालने के बाद बोर्ड आपका फ़ैन अच्छे से घूमने लगता है, तो आपका शॉर्टिंग जो है वो VRM सेक्शन में है। ये ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि किस सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो हम अभी इसे खोलते हैं फ़ैन को और चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारी शॉर्टिंग है। ओके, तो हमारा फ़ैन निकल चुका है, तो इसे साइड में रख देता हूँ। तो प्रोसेसर को भी मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। ओके, यहाँ पर धूल मिट्टी है थोड़ी पर, तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ तो लगा हुआ है, मुझे लगता है ये फ्लक्स की तरह कुछ तो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो लिक्विड डैमेज की तरह कुछ तो लग रहा है यहाँ पर। तो उसे भी एक बार किसी भी क्लीनर से क्लीन करके लेंगे, क्योंकि ये वाला जो IC है वो VRM IC है, तो इसलिए मैं इसे क्लीन करके ले रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ तो गंदगी है, मतलब मुझे लगता है फ्लक्स भी हो सकता है, तो उसे क्लीन कर लिया है। अब मल्टीमीटर से हम थोड़ा चेक करेंगे। तो ये H61 का बोर्ड है, तो यहाँ पर मेरे मुताबिक से ये जो है ये VCCSA का सप्लाई है। यहाँ पर ये PCH का होगा, ये होगा VTT सप्लाई, और 1, 2 और 3, ये तीन कॉइल है हमारे पास। ये कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर, ये प्राइमरी मॉस्फेट, ये सेकेंडरी मॉस्फेट, और बाद में ये कॉइल है और ये कैपेसिटर है। यहाँ से ये CPU के सप्लाई जाएगा। तो ये रहा एक पहला वाला CPU का सप्लाई, मुझे वी कोर का सप्लाई, ये दूसरा वाला हो गया और ये तीसरा वाला, मतलब ये 3 पेज का VRM सप्लाई है। बाद में यहाँ पर जो है लास्ट वाला आखिरी वाला कॉइल, ये है ग्राफिक्स का सप्लाई। तो अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो इसलिए मैं मल्टीमीटर को डायोड रेंज में डाल दिया है। तो ये देखिए, तो पहला एक प्रोब रेड वाला प्रोब है वो मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ग्राउंड हो चुका है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके सोर्स पे देखेंगे हर एक मॉस्फेट के, ये तो ग्राउंड ही होता है। ओके, हम ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं। ओके, ये अभी तक इसमें कोई मॉस्फेट फॉल्टी फॉल्टी नहीं दिखा रहा है।
एक काम कर लेते हैं, एक एक मॉस्फेट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को रख देता हूँ ऐसे करके। ओके, तो पहले ये वाला मॉस्फेट है, यहाँ पर मैंने रेड प्रोब ड्रेन के ऊपर रखा है, गेट पे नेगेटिव ट्रिगरिंग दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा मॉस्फेट जो है वो ट्रिगर हो चुका है। अब उल्टा ब्लैक प्रोब ड्रेन के ऊपर रख रहा हूँ, ये रेड प्रोब से गेट के ऊपर ट्रिगरिंग दे रहा हूँ। और सोर्स पे यहाँ पर कंटिन्यूटी हमें मिल रही, ये देखिए। मतलब ये जो मॉस्फेट है वो अगर मैं रेड प्रोब भी लगाऊँ और ब्लैक प्रोब से भी ट्रिगरिंग करता हूँ तब भी हमें सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इस मॉस्फेट को ऐसे चेक कर लेते हैं, तो इसे बाहर निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ट्रिगरिंग दिया। ओके, तो ये वाला मॉस्फेट अभी चेक करते हैं, ये देखिए ये वाला मॉस्फेट है। यहाँ पर देखिए, ये ड्रेन के ऊपर मैंने एक प्रोब रखा है और गेट के ऊपर एक प्रोब रखा है, तो ये बीप कर रहा है डायरेक्टली। बाद में और एक काम करता हूँ, ये गेट और सोर्स के बीच में भी देखिए बीप कर रहा है, ये वाला नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी देखते हैं। ओके, फिलहाल तो ये वाला मॉस्फेट ही हमें फॉल्टी दिख रहा है। तो एक काम करेंगे, पहले ये वाला मॉस्फेट निकालेंगे और हमारी शॉर्टिंग जाती है क्या नहीं, हटती है क्या नहीं देखेंगे। तो इसे मैं अभी हीट कर रहा हूँ और हीट करके हम इसे निकाल देंगे। ओके, तो ये मॉस्फेट निकल चुका है, तो इसे यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। तो मैं इसके सारे टर्मिनल एक साथ शॉर्ट कर रहा हूँ और फिर से एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, बाहर निकाल कर भी शॉर्टिंग चेक कीजिए। ये देखिए, ड्रेन और गेट बीप दे रहा है, ड्रेन और सोर्स डायरेक्टली बीप दे रहा है और गेट और सोर्स भी बीप दे रहा है। मतलब ये पूरा शॉर्ट ही हो चुका है। तो इसका नंबर देख लेते हैं पहले, तो इसका नंबर है M3004D। ओके, तो ये एन चैनल मॉस्फेट है क्योंकि यहाँ पर इसका लास्ट का जो डिजिट है 3004 इसका नंबर है, ये लास्ट का डिजिट है 4 4 4 से हम बता सकते हैं कि ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो मैं ऐसा वाला दूसरा मॉस्फेट ढूंढता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके,
तो ये बोर्ड अब ठंडा हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम प्रोसेसर को इंसर्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वही मॉस्फेट फॉल्टी था जिसके वजह से हमें ये इशू आ रहा था VRM शॉर्ट का। तो एक बार उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं फ़ैन इसका पुराना वाला लगा देता हूँ। फैन का सॉकेट इधर है। ओके, तो मैं इसे अभी शॉर्ट करके ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑन कर दिया और हमारा फ़ैन घूमने लगा है। मतलब यही एक मॉस्फेट था जो शॉर्ट था जिसके वजह से यह हमारे पास नो डिस्प्ले का इशू आ रहा था। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से निकाल कर दूसरा वाला वहाँ पर एक मॉस्फेट इंसर्ट कर डालते हैं। तो ये वाला फॉल्टी वाला मॉस्फेट है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो मेरे पास अभी ये वाला सेम नंबर का मॉस्फेट है, ये दोनों वाले। तो इसे हम पहले चेक करेंगे, बाद में ये इंसर्ट करेंगे। क्योंकि कभी भी आपको ऐसे शॉर्ट हुआ हुआ मॉस्फेट है वो आप निकालेंगे और बाहर रख देंगे, बाद में नया वाला जो जिसी भी बोर्ड में आप मॉस्फेट एक स्क्रैप बोर्ड से आप मॉस्फेट निकालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, लगाने से पहले पहले चेक कीजिए। क्योंकि एक एक बार क्या होता है कि वो जो बोर्ड से आप स्क्रैप वाले बोर्ड से आप मॉस्फेट निकालते हो वही फॉल्टी हो सकता है। तो ये देखिए फिलहाल ये ट्रिगर नहीं हो रहा है और ओके, तो ये वाला अच्छा है तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो इसे हम फिर से एक बार उसकी जगह पर लगा देते हैं। तो नया वाला मॉस्फेट मैंने लगा दिया है, थोड़ा देर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बाद में चेक करेंगे। ओके, तो बोर्ड अभी ठंडा हो चुका है तो मैं इसका फ़ैन कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, VRM सप्लाई भी, और इसे ऑन करके देख लेते हैं। मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो ऑन करने के बाद फिर से हमें ये फ़ैन थोड़ा घूमा और फिर से ऑफ हो गया। मतलब अभी भी हमारी जो शॉर्टिंग है वो नहीं निकली। ये देखिए फिर से वही प्रॉब्लम है। तो फिलहाल फिर से इसे निकालते हैं। प्रोसेसर को भी निकाल देता हूँ। फिर से इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला है, ये हमने जो नया वाला डाला है वो फिर से शॉर्ट हो गया। ये वाला भी, ये वाला भी शॉर्ट दिखा रहा है।
ये सभी मॉस्फेट है वो शॉर्ट दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ के तो सभी दिखा रहे हैं, ये इसका तो यहाँ पर कंट्रोलर है। ये देखिए ये भी मॉस्फेट शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों मॉस्फेट को निकाल देते हैं, बाद में इसे भी चेक, सभी मॉस्फेट को निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर आप एक मॉस्फेट इंसर्ट करते हो और फिर से ऑन करके देखते हो तो आपके बाकी के मॉस्फेट भी उड़ने लगते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम वीआरएम आईसी का भी हो सकता है। तो पहले तो हम ये वाले मॉस्फेट निकाल के चेक करेंगे कि ये किसका इश्यू है, आईसी का इश्यू है क्या क्या। ओके, एक मॉस्फेट निकाल दिया है। इसे भी निकाल दिया। इन दोनों मॉस्फेट को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कोई, मतलब बाहर ये वाला मॉस्फेट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, पर बोर्ड पे शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखिए ये वाला मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, और ये वाला हमने जो अभी लगाया था वो उसे चेक कर लेते हैं। तो ये वाला शॉर्ट हो चुका है। तो हमने जो भी मॉस्फेट लगाया था वही शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक बार इसे, इसके जो ग्राउंड पैड्स है वहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला मॉस्फेट है, उसके गेट टर्मिनल पे हमें बीप मिल रहा है। ये इनपुट है क्या, देखते हैं यहाँ से। ओके, तो ये वाला जो मॉस्फेट है वो प्राइमरी है, पर इसके गेट पे हमें बीप मिल रहा है। ये देखिए ये भी, एक तो ये मॉस्फेट शॉर्ट हो सकता है, इसका गेट पे बीप मिल रहा है, मतलब ये वीआरएम आईसी से ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी ये वाला मॉस्फेट एक बार निकाल के हम चेक कर लेते हैं। ये वाला तो सही है। ओके, मॉस्फेट निकल चुका है, अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए ये वाला मॉस्फेट भी सही है, पर हमें ये बीप दे रहा है ग्राउंड के साथ। पहले इसके ट्रैक्स जो पैड्स रहते हैं उससे चेक कर लेते हैं। ये देखिए
ये यहाँ पर ग्राउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर अभी नहीं है, ये भी ग्राउंड नहीं है, पर यहाँ पर ये वाला ग्राउंड दिखा रहा है। मतलब ये भी मॉस्फेट फॉल्टी हो सकता है। ये तो मॉस्फेट तो सही है, ये वाला पेयर भी चेक कर लेते हैं। इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं नजर आ रहा है, तो फॉल्ट जो है वो यही है। ये देखिए, इसका सेकेंडरी मॉस्फेट का जो ड्रेन है ये ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, ये बीप नहीं करना चाहिए। गेट तो सही रीडिंग दे रहा है, ये कॉमन है क्या, देखते हैं। हम इन दोनों मॉस्फेट को भी निकालेंगे और उन्हें भी चेक करेंगे, क्योंकि मेरा प्रोसेसर अभी इस हालात में लगा हुआ नहीं है, पर फिर भी मेरा जो ड्रेन है सेकेंडरी मॉस्फेट का, वहाँ पर मुझे ग्राउंड के साथ बीप मिल रहा है। यहाँ इस वाले पेयर पे नहीं मिल रहा है, पर इस वाले पेयर पे सेकेंडरी मॉस्फेट का यहाँ पर मुझे बीप मिल रहा है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट इनपुट होता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर बीप देना चाहिए। ओके, 12 इनपुट ये सोर्स है, मतलब यहाँ से यहाँ पर यह आउट करेगा। ओके, ये आउटपुट यहाँ पर है। ओके, तो ये यहाँ पर हमें बीप मिल रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट हो सकता है। ये देखिए, ऐसे यहाँ पर ये जो अगर ये प्राइमरी है तो यहाँ पर हमें बीप नहीं मिलना चाहिए। ये देखिए, इसमें भी बीप मिल रहा है हमें, ये एक मिनट, ये नहीं, ये वाला पेयर सही है। इन दोनों में से कोई तो फॉल्टी हो सकता है। ओके, ये वाला भी निकाल दिया। ये वाला भी निकाल दिया, तो इन्हें भी चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, ये देखिए, ये लीकेज है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ तो वैल्यू मिल रहे हैं, यहाँ पर बीप दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर फिर से हमें वैल्यू मिल रहे हैं, यहाँ पर बीप दे रहा है, मतलब ये वाला मॉस्फेट है वो लीक हो चुका है, जिसके वजह से ये दोनों साइड पे बीप दे रहा है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रीडिंग पे भी। ये देखिए, यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है, ये एक बार ट्रिगर हो चुका है। अब ये दूसरी, जब मैं नेगेटिव ट्रिगरिंग करता हूँ तब ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए, तो ये भी अच्छा है, इसे भी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये भी अच्छा होना चाहिए। ओके, ये दोनों अच्छे हैं, मतलब हमारे पास दो मॉस्फेट ऐसे हैं जो फॉल्टी है। तो मैं एक बार यहाँ पर का भी स्टेटस देख लेता हूँ, यहाँ पर हमें बीप मिल रहा था,
तो फिलहाल यहाँ पर कुछ तो इम्पीडेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें फिलहाल तो फिलहाल एक पेयर हमने ऐसा निकाला है जो फॉल्टी है पूरी तरह से। अब हम इसे फिर से एक बार लगाएंगे और चेक करेंगे। ये वाले जो है वो सेकेंडरी मॉस्फेट्स है, इनका नंबर है D3006। एक मॉस्फेट लग चुका है, ये दूसरा वाला लगा रहे हैं। ओके, अब ऊपर वाले मॉस्फेट लगा देते हैं। ये वाला भी लगा देता हूँ। फिलहाल एक मॉस्फेट हमारे पास नहीं है, उसे हमें खोजता हूँ मैं। मेरे पास कोई स्क्रैप बोर्ड में ये वाला नंबर का मॉस्फेट है क्या? तो मुझे ये MD3006 नंबर का एक मॉस्फेट मिला है, तो इसे हम बोर्ड में लगा देते हैं।
मॉस्फेट तो लग चुका है, फिर से एक बार मल्टीमीटर से हम इसमें कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अब गेट कोई शॉर्ट नहीं है, इसका भी गेट चेक करता हूँ, कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी इम्पीडेंस आ रहा है, यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी इम्पीडेंस है। तो फिलहाल हमारे पास कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है मल्टीमीटर में से चेक करने के बाद, तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इसे भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब थोड़ा देर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हमारा जो बोर्ड है वो ठंडा हो चुका है, तो मैं प्रोसेसर को इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, प्रोसेसर को इंसर्ट कर दिया, अब पावर केबल लगाते हैं। ओके, ये भी लगाए, इसका फैन इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, वीजीए केबल भी कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं। फिलहाल तो हमारा जो बोर्ड है वो ऑन होके फिर से ऑफ हो गया, फिलहाल ये रीस्टार्ट कर रहा है। तो हमने जो वीआरएम शॉर्ट था वो तो शॉर्टिंग तो हटा दिया है, पर इसमें आगे कोई तो फॉल्ट है जिसके वजह से ये रिस्टार्ट कर रहा है। तो पहले हम एक बार इसे ऑफ कर लेते हैं, कोई तो सिग्नल मिसिंग होगा जिसके वजह से ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैं रैम को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसे फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये ऑन हो गया, फिर से ऑफ हो रहा है, फिर से ऑन हो रहा है, मतलब ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो वीआरएम का शॉर्टिंग का था वो तो हो गया। तो पहले हम इसका जो वीआरएम सॉरी इसका रैम का वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मॉस्फेट दिखा रहा है, तो रैम का वोल्टेज 1.5 हमें मिल रहा है। तो काम करता हूँ, इसे ऐसे रख देता हूँ ताकि ये स्क्रीन में नज़र आए। ओके, तो ये देखिए हमारा रैम का वोल्टेज 1.5 दिखा रहा है। अब रैम का जो VTT होता है वो देखते हैं, जो कि पिन नंबर है 120। ओके, हमारे पास रैम का जो VTT सिग्नल, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो रैम का VTT सिग्नल भी बन रहा है। जैसे ऑन होता है वो 6.7 वोल्ट के 0.7 वोल्ट के आसपास बन रहा है। बाद में SM क्लॉक देखते हैं, ये 118 पिन नंबर है। यहाँ पर हमारा SM क्लॉक 3.2 वोल्ट बन रहा है, मतलब SM क्लॉक का भी कोई इशू नहीं है। 240 पिन पे, 1 मिनट, बाद में हमें SM क्लॉक हो गया, SM डेटा चेक करते हैं।
यहाँ पर प्रोब नहीं लगा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर एसएम डेटा हमारा ओके 2.8 बन रहा है, मतलब एसएम डेटा भी है। बाद में एसपीडी वीडीडी वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पर 236 पी नंबर पे मिलता है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर देखते हैं फिलहाल। यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये रैम सेक्शन का कुछ इशू नहीं है। बाद में हम इसे साइड में कर देता हूँ। ये पीसीएच का सप्लाई देखते हैं, यहाँ पर हमें इसके यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, ये पीसीएच का सप्लाई है, तो यहाँ पर 1.8 बन रहा है, मतलब पीसीएच का कुछ इशू नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर पीसीएच में एक ही सप्लाई दिया है। बाद में ये है हमारा वीटीटी, यहाँ पर वीटीडी कितना बन रहा है देखते हैं, 0.92, ये देखिए 0.92 बन रहा है, मतलब ये वीटीडी भी जनरेट हो रहा है। बाद में हम यहाँ पर वीसीसी ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर इनपुट 12 वोल्ट होगा, ओके 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, आउटपुट में देखते हैं ओके ये वीसीसी ऐसे भी बन रहा है। और अब हमें देखना है हमारा वीआरएम का वोल्टेज, यहाँ पर इनपुट 12 वोल्ट हो रहा है क्या, ओके। और यहाँ पर सोर्स के ऊपर हम रख के वीआरएम का वोल्टेज देख रहे हैं, ओके। तो 1 वोल्ट के आसपास हमारा वीआरएम का वोल्टेज भी जनरेट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी। और ग्राफिक्स का देखते हैं, मतलब ग्राफिक्स के कोर पे भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा फिर भी ग्राफिक्स के कोर पे भी वोल्टेज दिखा रहा है, पर भी हमारा बोर्ड जो है वो ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो एक बार सीमोस को चेक कर लेते हैं, सीमोस बैटरी डेड होगी तो भी ऐसा हो सकता है, तो इसमें बहुत कम वोल्टेज दिखा रहा है। एक बार दूसरा वाला नया वाला सीमोस लगा कर देखता हूँ, तो ये रिस्टार्ट कर रहा है, पर फिर भी हमारा जो बोर्ड है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इस H61 पे हम काम कर रहे थे, इसका वीआरएम सेक्शन शॉर्ट था, शॉर्ट निकालने के बाद हमने जब इसे रिस्टार्ट किया तो वो थोड़ा मतलब ऑन किया वो रिस्टार्ट हो रहा था थोड़ी देर के बाद, तो मैंने सारे वोल्टेज चेक किए थे, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा फॉल्टी वोल्टेज मिल रहा था, मतलब यहाँ पर इनपुट पे हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए ड्रेन के ऊपर, बाद में उसके गेट के ऊपर हमें 1.2 वरना 1.8 से 1.2 तक वोल्टेज मिलना चाहिए, पर यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट के आसपास मिल रहा था। तो अब मैं फिर से इसे स्टार्ट करके देखता हूँ कि इसका भी स्टेटस क्या है। तो ये देखिए मैंने अभी इसे स्टार्ट किया है, पर ये जो पहले जो प्रॉब्लम था रिस्टार्ट होने वाला वो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, पर ये वाला जो मॉस्फेट है यहाँ पर, एक यहाँ पर ये वाला मॉस्फेट बहुत हीट कर रहा है, और इसका मैंने वोल्टेज देखा यहाँ पर इनपुट पे 12 वोल्ट है और ड्रेन पे भी 12 वोल्ट है, तो एक बार इसे निकाल के हम चेक करेंगे कि मॉस्फेट फिर से शॉर्ट हो रहा है क्या क्या। अगर मॉस्फेट बार बार शॉर्ट हो रहा है तो इस वीआरएम चिप का भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो पहले हम मॉस्फेट को निकालेंगे और बाद में इसे चेक करेंगे। और पिछली बार भी यही वाला मॉस्फेट शॉर्ट था जो हमने रिप्लेस किया है। तो मॉस्फेट को मैंने हटा दिया है, अब इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो कंटिन्यू ट्यूब मोड में मैं मल्टीमीटर को रखा हूँ। ये देखिए ये वाला मॉस्फेट फिर से शॉर्ट है। तो इसे फिर से साइड में रख देता हूँ, एक बार प्रोसेसर को निकाल देते हैं और इसके ग्राउंड के सब शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो मुझे लगता है यही एक ही मॉस्फेट है जो दिक्कत कर रहा है, तो उसे फिर से एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। अगर फिर से वही केस आता है, मतलब ये रिप्लेस करने के बाद वही शॉर्ट दिखाता है फिर से, तो ये आईसी हमें बदलना पड़ेगा। तो अब फिलहाल मैं मॉस्फेट सर्च करके रिप्लेस करने वाला हूँ। ओके, तो ये वाला जो मॉस्फेट है वो मैंने बदल दिया है, दूसरा वाला यहाँ पर लगा दिया है और हम इसे अभी चेक करेंगे। तो मैंने इसे ऑन कर दिया, तो हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है और यहाँ पर मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है। ओके, ये देखिए बायोस भी ओपन हो चुके हैं। ओके, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।